हेलो ट्रेडर्स उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे ट्रेडिंग वल्ल्ड चैनल में खुश आमदीद ट्रेडर्स अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो आपसे मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट होगी सबसे पहले कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें साथ साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको फ़ॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी अपडेट हैं वो वक्त पर मिल सकें तो चलिए इनालिस शुरू करने से पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे चलते हैं और देखते हैं मंडे और ट्यूसडे के दिन कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं है जो कि गोल्ड को इम्पैक्ट कर सके तो अगर हम बात करें 18 जुलाई की तो एक न्यूजीलैंड NZD USD डी की न्यूज़ है 3:45 फोटी एम के मुताबिक पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक और एक ट्यूसडे वाले दिन है 6:30 थर्टी एम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मल्ट्री पॉलिसी मीटिंग है तो बाकी ऐसा सच ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है मंडे और ट्यूज़डे को जो कि गोल्ड को इम्पैक्ट कर सके तो स्टेबल रह सकती है मार्केट गोल्ड की मंडे और ट्यूज़डे वाले दिन 1700 की जो ये वीकली चार्ट है लाइन चार्ट और आपको पता है कि 1700 की जो सपोर्ट है मार्केट गोल्ड जो है अभी उसको रिस्पेक्ट दे रही है ठीक है और यहाँ से मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट कर सकती है और नेक्स्ट जो इसकी सपोर्ट हो सकती है गोल्ड के लिए क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट थी लेकिन अगर हम देखें कि अगर मार्केट मजीद एक सेलिंग प्रेशर में जाती है तो नेक्स्ट इसकी जो सपोर्ट होगी वो सोलह यानी सिक्सटीन होगी ठीक है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से जूम आउट करके दिखा देता हूँ यहाँ पर देखें मार्केट ने सपोर्ट ली फिर यहाँ पर सपोर्ट ली और अभी यहाँ पर चांसेस हैं कि मार्केट 1682.752 के लेवल तक जा सकती है क्योंकि अगर डी एक्स वाई को देखें तो वो डॉलर इंडेक्स जो है वो एक स्ट्रॉग पोजीशन में मौजूद है तो वो बाय में अगर जाएगा तो डेफिनेटली जो गोल्ड है कमोडिटी जो है ये हमें डाउन में देखने को मिल सकती है तो यानी अब हमने वीकली चार्ट से ये एनालाइज किया कि जो इसकी पहली जो सपोर्ट थी 1700 मार्केट ने वहाँ तक आई है गोल्ड की और अब चांसेस हैं कि मजीद मार्केट अगर डाउन होती है तो नेक्स्ट जो इसकी सपोर्ट रहने वाली है वो 1682 के राउंड अबाउट है तो अब हम देखते हैं इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डेली टाइम फ्रेम में जा के देखते हैं कि मंडे और ट्यूसडे को ट्यूजडे वाले दिन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है बाइंग की या सेलिंग की या मार्केट रेंजिंग में रह सकती है कुछ देर वो हम देखते हैं जी ट्रेडर्स तो ये अब जो चार्ट है ये डेली का चार्ट है और कैंडल स्टिंग पैटर्न को हम थोड़ा सा प्राइज एक्शन को समझेंगे कि इसके पीछे क्या जो है वो स्टोरी चल रही है तो देखें यहाँ पर ये है जी वेडनेसडे की कैंडल ये है थर्सडे की कैंडल और ये है फ्राइडे की कैंडल तो आपने एक चीज़ नोट की कि ये हमारे पास लोअर हाई बना रही है, ठीक है लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई यानी लोअर हाई मीन्स के लगातार लोअर हाई बन रही है इसका मतलब यह है कि हम गोल्ड को अभी भी गोल्ड जो है वो बाइंग पोजीशन में बिल्कुल भी हमें दूर तक नज़र नहीं आ रहा ठीक है हमें ऐसा ही लग रहा है कि गोल्ड जो है वो हो सकता है कि थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ले और इस लेवल को रीटेस्ट करे ये जो लेवल है मैं दोबारा से आपको बता दूं ये जो लेवल है इसको रीटेस्ट करे और उसके बाद दोबारा ये फॉल करे ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है एज क्योंकि डी एक्स व इंडेक्स जो है वो काफ़ी मजबूत है तो अब अगर ये यहाँ से डाउन जाता है तो डेफिनेटली ये सेवन हंड्रेड को ब्रेक करने के बाद ये जो इसकी सपोर्ट है इसको रिस्पेक्ट दे सकता है जो कि 1682.7 या 1683 आप इसको कह सकते हैं तो अभी यहां से अभी ये जो कैंडल बनी है ये हमारे पास एक इनडिसीजन कैंडल है यानी फ्राइडे वाले दिन जो है वो बायर्स और सेलर्स के दरमियान एक जंग रही बायर्स की ये कोशिश थी कि वो सेवनटीन हंड्रेड को रिस्पेक्ट दें यानी इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट दें लेकिन देखते हैं मंडे वाले दिन जो है वो कहानी वैसे गोल्ड पे अगर आपने ट्रेड करनी है तो मेरे आ, मेरा ये मशवरा होगा कि आप मंडे के दिन का वेट करें मंडे की जो डेली की कैंडल है उसका आप जरूर वेट करें अगर मंडे की डेली की कैंडल इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज होती है ठीक है ये जो लोअर हाई का जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है यहाँ से इसको अगर ब्रेक करती है ऊपर की तरफ तो फिर हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट देख सकते हैं लेकिन अगर यहाँ से ये दोबारा एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग की कैंडल बनती है तो फिर ये लेवल डेफिनेटली मार्केट को इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो कि नेक्स्ट वीकली सपोर्ट होगी गोल्ड के लिए तो अब हम जाते हैं फोर आवर में क्योंकि मार्केट जो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में याद रखिएगा ट्रेडर्स वो बेस्ट जो टाइम फ्रेम है वो फोर आवर का ही है वहां पर जाके हम जोन क्रिएट करेंगे वहां पर जाके हम देखेंगे मार्केट कितना रिटेस्ट कर सकती है और कहां से हमें स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाना है। ये तमाम चीजें हम फोर आवर टाइम फ्रेम में डिस्कस करते हैं जी ट्रेडर्स तो ये हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न पे फोर आवर का चार्ट है और यहाँ से अगर आप देखें कि जैसे ही मार्किट सेवन सेवनटीन हंड्रेड के लेवल को इसने टच किया तो यहाँ से आप देख रहे हैं आपको डॉजी जो है वो बनती हुई नज़र आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बायर जो हैं वो एंटर एंट्री मार रहे हैं ठीक है बायर्स इसी लेवल के इंतजार में थे कि यहाँ पर मार्किट आए और यहाँ से वो अपनी पोजिशन जो है वो लें तो यहाँ पर देखें बायर जो हैं वो यहाँ पर इन हुए हैं लेकिन अभी यहां पर यह हमें कंफर्मेशन नहीं मिली कि गोल्ड ने जो है अपना ट्रेंड फुली तौर पर चेंज कर लिया है क्योंकि अगर आप देखें मार्केट इस एरिया से लेकर और इसी एरिया में मौजूद है और ये एक रेंजिंग में है जब मार्केट किसी मेजर सपोर्ट या किसी मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर फॉल करती है याद रखिएगा वो कुछ देर रेंज में रहती है और उसके बाद अगर वो रेंज को ब्रेक करती है नीचे से तो जाहिर बात है सेलिंग है अगर ऊपर से ब्रेक आउट देती है तो वो बाइंग में है तो अभी हमने क्या देखना है इसमें मैंने आपको अभी बताया कि हम यहाँ पर एक जोन क्रिएट करेंगे फोर आवर टाइम फ्रेम में और हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है तो इसके लिए जो बेस्ट अगर हम जोन करें यहाँ पर हम बिल्कुल नहीं कर सकते यहाँ पर हम जोन नहीं क्रिएट करेंगे उसकी वजह यह है कि अगर यहाँ पर हम जोन क्रिएट कर भी दें और यहाँ पर हम सेलिंग कर दें तो ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट यहाँ पर है दोबारा मार्केट ऊपर लेके जा सकती है जो कि आप ट्रैप हो सकते हैं इस मार्केट से तो जो इसमें सेफ सेफ जोन है यानी अगर हम बात करें इसकी रेजिस्टेंस जोन के लिए तो वो हमारे पास सेफ जोन होगा ये वाला ठीक है ये वाला जोन यानी ये तकरीबन बनता है 1732 से 1735 का जोन ठीक है तो ये वो जोन है जो कि आपके लिए सेफ जोन हो सकता है यहां से आप मार्केट के अगर रिटेस्ट करती भी है पॉसिबिलिटी है यहां से मार्केट की बहुत ज्यादा यहां से देखें यहां से पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने जो बायर्स हैं उन्होंने मार्केट को 1700 के ऊपर ही सस्टेन किया हुआ है ठीक है इट मीन दे आर ट्राइंग टू यानी गेट दिस पोजिशन तो इसीलिए आपने इस पोजिशन का या इस जोन का आपने ज़रूर वेट करना है और अगर मार्किट फोर आवर टाइम फ्रेम में यहाँ तक आती है और उसके बाद यह, ये वाला वो एरिया ऑफ वैल्यू होगा और ये वाला वो जोन होगा जहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं और फिर हो सकता है कि मार्केट जो है वो सेवनटीन हंड्रेड को भी ब्रेक करके नीचे सिक्सटीन एटी थ्री तक जा सकती है मार्केट चांसेस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं लेकिन साथ साथ आपने अपना एन भी जरूर करना मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना एन आर जरूर शामिल करें आप एजुकेट हों लर्न करें तो उसके बाद आप अर्न करें तो यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ एक एरिया ऑफ वैल्यू कंसिडर करते हैं यहाँ पर तो ये भी हमारे पास एक एरिया ऑफ वैल्यू हो सकता है और मार्केट जो है अगर इस लेवल तक आती है और यहां पे अगर आपको इस जोन के अंदर अगर आपको कोई बेरिश साइन मिलता है ठीक है इसको चले मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ फिलहाल इस ट्रेंड लाइन को क्योंकि ये प्रॉपर एक नहीं बन रहा हमारा मैच एरिया ऑफ वैल्यू के लिए बहरहाल यहां पर ये यह जो जोन है यहां पर अगर मार्केट आती है मंडे या ट्यूसडे वाले दिन और यहाँ से अगर आपको कोई केटल मिलती है आपको बेरिश पैटर्न मिलता है फोर आवर टाइम फ्रेम में तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं तो ये वे वाला जो एरिया है ये गोल्ड के लिए नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा अहम रहेगा ये जोन और अगर इस जोन को ब्रेक आउट दे के मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर जाती है तो उस सिनारी में फिर हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे कि उसमें में क्या उसमें हमारे जो है वो पोजीशन हमने किस तरह लेनी है ठीक है तो फिलहाल मार्केट को मैं ओवरऑल जो है वो सेलिंग में ही देख रहा हूँ और मैं रिट्रेसमेंट का ही वेट करूँगा यहाँ से अगर हम यहाँ से कोई पैटर्न मिलता है तो हम यहाँ सेल करेंगे इस जोन को आपने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना क्योंकि ये न्यूज़ की वजह से एकदम मार्केट ऊपर गई थी तो ये था आज का एनालिसिस उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को दोस्तों के ज़्यादा जरूर शेयर करें मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़